शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन किया। अब राज्य के खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट के लिए देवभूमि में अभ्यास करेंगे। तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस के खिलाड़ियों को लंबे वक्त से अच्छी सुविधाओं का इंतजार था। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों के दिन बदलेगी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देनी होगी, इसीलिए राज्य सरकार मैदानों के ढांचे को बदल रही है। हल्द्वानी गोलापार में खुला कॉम्प्लेक्स युवा खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के दरवाजे भी खोलेगा। वे एक छत के नीचे कड़ा अभ्यास कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति खिलाड़ियों को कई सुविधाएं जैसे सरकारी नौकरी और तमाम स्कॉलरशिप देगी, जिससे वे अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अभी तक खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना पड़ता था, जो अब नहीं होगा। वे अच्छा करेंगे तो सरकार उनको समर्थन देगी। आगे को लेकर कई सारी और रणनीतियां भी आपने बनाई है जिससे खेलों को लाभ मिलेगा, खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हल्द्वानी की महान जनता को इस इंडोर स्टेडियम की मैं बधाई देता हूं। आज विभाग को समर्पित किया गया है। सभी यहां के खिलाड़ी, हमारे मीडिया के लोग, यहां की आम जनता यहां आके अपने फिटनेस पर ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और ये खिलाड़ी इसका उपयोग करें, मैं उनको शुभकामना देता हूं। मैं निश्चित ही जहां अच्छी अच्छी अवस्थापनाएँ बनाने की सरकार ने कोशिश की है, वहीं खेल नीति के माध्यम से जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमने नई खेल नीति बनाई है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप से लेके उनके रहने खाने की और उनको मेडल जीतने के पश्चात सरकारी नौकरियों की हमने सेवा देने का बिना किसी कंडीशन के नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ गेम, हमारी जो एसोसिएशन है मान्यता प्राप्त, इनकी चैम्पियनशिप, यूनिवर्सिटी के जो गेम होते हैं इनके, और जो पुलिस के गेम होते हैं इनमें भी जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनको भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी देकर बच्चों को हम सम्मान देना चाहते हैं। यह खेल नीति में इसका प्रावधान किया गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा के पथ पर उत्तराखंड कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके तहत लोगों के बीच पहुंचकर जन मामलों को वे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इस बारे में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में आम जनता के बीच जाकर उनके सुझाव और राय शुमारी को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल करेगी, जिसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र जारी होगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की एक प्रोफेशनल टीम उत्तराखंड आई है, जो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा में घूमकर आम जनता से राय शुमारी करेगी। यशपाल आर्य ने उम्मीद जताई है कि इस बार का घोषणा पत्र अन्य विधानसभा चुनाव से बेहतर होगा, जिसमें आम जनता की राय लेकर तैयार किया जाएगा। ये राज्य की स्थिति को लेकर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें हमारे जो प्रोफेशनल जो टीम है उन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में भेजा गया है, और उनके साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वह आवाम की, जनता की राज जानेंगे। जो किसान हैं, जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हैं, जो वंचित शोषित समाज है, जो हमारे स्वयं सेवा समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, और जो पूर्व सैनिक हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे पट्टे पर जो अपना ठेला फड़ लगाते हैं, वो लोग हैं, तमाम सभी लोगों को, विचारों को हम प्रतिज्ञा पत्र में समाहित करेंगे। और निश्चित रूप से गांव में, सुदूर सीमांत क्षेत्र में हो, ग्रामीण अंचल में हो, हर जगह हमारी टीम, हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं। यह तृतीय चरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और निश्चित रूप से जो चुनाव घोषणा पत्र होगा उसमें सारे विषयों को समाहित किया जाएगा। और मेरा मानना है कि हम इस बार का जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र होगा, वो बेहतर होगा और उसमें सभी लोगों को उसका लाभ आने वाले ये तीसरा फेज शुरू हो चुका है, दो फेज हो चुके हैं, अब तीसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। एक दिवसीय दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय सरस मेले में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से
सरस मेलों का आयोजन हो रहा है, वैसे ही प्रत्येक जनपद में रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिन रात उत्तराखंड के विकास में जुटी हुई है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने गांधी मैदान के बाहर लगे राजाराम के ठेले में पहुंचकर मंत्री यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल और जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा राजमा चावल का लुत्फ भी उठाया, जिसके बाद उन्होंने शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री के प्लांट का शुभारंभ किया।